ऑल सेट टू गो। और ये कुछ रूम था, ये वॉशरूम था अगर आप देख रहे हो, और ये कुछ रूम था यहाँ पका। बाकी अब जाने की तैयारी हो रही है और टाइम हो गया है, देख रहे हो। अगर टाइम देखें तो 10 10 15 हो गए, और चलते हैं, बाइक में मिलते हैं आपको अभी। बाकी चंडीगढ़ में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था, बस आज मनाली का जो होगा रूट वो बढ़िया होगा। तो भाई होटल से गुड मॉर्निंग फॉर चंडीगढ़। और होटल से निकलते निकलते थोड़ा टाइम हो गया, और 10:40 हो गए यहाँ पे, 10:30 लगा लो। बाकी अभी भी मंजिल यहाँ से 293 किलोमीटर है, और 9 घंटे का रास्ता बता रहा है। तो ये तो जब बता रहा जब रुकेंगे नहीं, और ऑब्वियसली खाते पीते चलेंगे क्योंकि हमने सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो वो करना ज़रूरी है क्योंकि पूरा दिन भर अगर चलना है तो वो करना पड़ेगा। तो अभी यहीं पर चंडीगढ़ पे निकल रहे हैं, आगे मिलते हैं अगर ड्रोन शॉट मिल सकेंगे तो यही है। बाकी आगे मिलते हैं आपको फिर, ठीक है। और ड्रोन भी लाया तो इस समय सो होप सो। अरे आपको एक गाड़ी दिखाता हूँ, विंटेज कार है बिल्कुल ही, जो चंडीगढ़ में देखने को मिली है मुझे, पर ये ऑटो वाले हटेंगे जब ही। तो ये देख रहे हो विंटेज कार, आपको दिखाता हूँ, ये देखो क्या गाड़ी है यार, बढ़िया है, अच्छी गाड़ी थी। चंडीगढ़ में आपको मतलब है गाड़ियों का लोगों का शौक, और दिख जाएगी। और ये बहुत ही रेयर दिखी है, मतलब मेरे को नहीं पता ये शायद मेरे से भी पुरानी गाड़ी हो, पर ठीक है जो भी है, चलो आगे चलते हैं, मिलते हैं आगे ही आपको। पहले मैं चंडीगढ़ पार कर लूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा यार चंडीगढ़ पार नहीं करेंगे तो एक बार चंडीगढ़ पार कर लो, पहाड़ का रास्ता लग जाए, फिर आपको मिलता हूँ। भाई पहले 700 रुपये में फुल हो जाती थी टंकी, अब आधी टंकी भी 900 रुपये में नहीं डालती। वाह मोदी जी वाह। तो भाई अगर आप कहीं पर भी पहाड़ों पर जाए तो बेस्ट फीलिंग ये होती है कि आप चल रहे हो, और चलते चलते मतलब काफ़ी देर से आप प्लेन चल रहे हो, हाईवे चल रहे हो, और आपको एकदम से पहाड़ दिखने चालू हो जाए ना, तो बस आप ऐसा लगता है कि डेस्टिनेशन पास में, और थोड़ा मोटिवेट होता रहता है इंसान। तो वही है, बाकी पहाड़ दिखने चालू हो गए तो फीलिंग काफ़ी अच्छी आ रही है। और अभी 12 बज चुके हैं, और हम ऑलमोस्ट वहाँ से मेरे ख्याल से 80 से 90 किलोमीटर चले हैं चंडीगढ़ से। बट हाँ अब रास्ता ख़राब होने वाला है, बट नज़ारे काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। तो आई होप सो आपको भी वीडियो अच्छी लग रही होगी। और अगर आपको ये देखना कि भाई क्लच प्लेट भी चली गई थी इसकी, और आपको ये वीडियो देखने कि भाई साहब क्या हुआ था, तो वो वाली वीडियो मैं आपको लिंक कर दूंगा। बाकी रोड ऐसा ही चलेगा, बाकी आगे मिलते हैं आपको। काफ़ी बढ़िया कर दिया है, मतलब थोड़ा बहुत अगर ये देख ये नकाशी देख रहे हो तो मेरे ख्याल से आधा ये काम हो गया है, और आधा कर रहे हैं इस पर, तो बढ़िया है। तो यहाँ पे कुछ खाने पीने का, पुलिस वालों की कैसे कोई चेक इन तो हो नहीं रही, कोविड ऐसे ही खुला हुआ छोटा हुआ, पर कोई बात नहीं, अपना काम हो गया ना। वैसे भी हम सारे रजिस्ट्रेशन करा के आते, कोविड रिपोर्ट भी, कोविड पर मतलब डबल डोज लगी हुई है हम सबको, एंड डबल डोज लगी हुई है, एंड रजिस्ट्रेशन भी करा ही लिया था, तो ऐसा कुछ देख नहीं रहे सर। अभी भीड़ नहीं है, पर हाँ मुझे ऐसा लगता है कि 25-26 के करीब जो आएंगे वहाँ पर उस समय काफ़ी भीड़ हो जाएगी। है परिंदों की तरह है दिल है समल जा, गुड मॉर्निंग फॉर मनाली। और यहाँ से हम निकल रहे हैं हडिम्बा टेम्पल की तरफ। और भाई रात में काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, और माल रोड में क्राउड अच्छा है, पर 25-26 आते ही मेरे को लग रहा है क्राउड बढ़ जाएगा। और आज का कुछ प्लान ऐसा है, पहले हडिम्बा टेम्पल जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे, जैसे 2 किलोमीटर पे, और ये सामने माल रोड है,
काफी बढ़िया क्राउड है। एंड भाई एक चीज तो माननी पड़ेगी, अगर कोई भी बंदा बाइक से आ रहा है ना, तो मेक श्योर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड नवंबर आल्सो इंक्लूडेड, कि भाई ठंड बहुत तगड़ी लगने वाली है यहाँ पे। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि पूरे के पूरे ना कपड़े आपके फुल प्रूफ होने चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको यहाँ आने में। यही है, बाकी थोड़ा हडिम्बा टेम्पल की तरफ चलते हैं। एंड हाँ हाँ, एक और अपडेट मैं देता हूँ, क्योंकि जो अभी मना अटल टनल है वो बंद कर रखा है, क्योंकि उसके दूसरे पोल पर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, दस वाई, और बर्फ़ दिखी हुई कितनी प्यारी लग रही है यार। और यहाँ पर क्राउड ना, अभी तो क्राउड कम है, बट आई एम श्योर कि आते आते क्राउड काफ़ी बढ़ जाएगा, और ये सियोरिटी तो है मुझे। बट पहले हडिम्बा चलते, फिर मैं आपको बताता हूँ थोड़े हडिम्बा के सिनेमैटिक्स एंजॉय करना, जैसे हो सकते वैसे डालूंगा। भाई यादें जुड़ी हुई है, लिटरली मजाक नहीं कर रहा, एंड क्या ही कहे। और अंदाजे से जा रहा हूँ हडिम्बा टेम्पल, क्योंकि बहुत पहले आया था मैं हडिम्बा टेम्पल, अब तो मुझे याद भी नहीं है कि कैसा दिखता है वो। बट यहीं कहीं पे हमने कहीं होटल लिया था, वो बर्फ गिर भी कितनी प्यारी लग रही है यार, लिटरली। और भाई हाँ, एक और चीज़ बता रहा, बहुत ही ज़्यादा मतलब लेयरिंग की तो मतलब बात ही मत करो कि कितनी करी हुई है मैंने, मतलब दो इन्हें डाल रखे, फिर एक कमीज डाल रखी है, और फिर एक लेदर जैकेट डाल रखा है, मतलब ये तो कर रखा मैंने इसमें। ओके बच गए बाल बाल। हिमालय भी काफ़ी अच्छी बाइक है, नो डाउट, बट ट्यूबलेस नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें, बाकी जेसीपी भी चल रहा है यहाँ पर, सारी सही सारी चीज़ें यहीं चलेगी आज। तो भाई ये वाला होटल था जब हम पहली बार मनाली आए थे, आई होप सुनील और नितिन भी देख रहे होंगे तो उसे पता होगा, भाई यही वाले होटल में रहे थे हम, और काफ़ी बढ़िया था। और यहाँ से पैदल गए थे, मतलब हडिम्बा टेम्पल, जब तो रास्ता पैदल का ही था, पर आज थोड़ा हमारा माल रोड से तो पास है, पर ये देखो कितना प्यारा नज़र आ रहा है वहाँ से, धूप पड़ गई होगी शायद, दिख नहीं रहा, पर जो मुझे आँखों से दिख रहा ना वो बहुत प्यारा लग रहा है। और उस समय तो पूरी बर्फ थी, मार्च का टाइम था, पर यादें ताज़ा हो गई यार, लिटरली ऐसा लगता मतलब वो पल ना फिर से जी लेता इंसान। और ओ ओ ओ ओ हिमालय बोल गई भाई, यहाँ पर तो रुकना मतलब पाप हो जाएगा एकदम से। चलो 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 चलो, चल गई, चलो बढ़िया।
तो भाई टाइम हो रहा है, हडिम्बा टेम्पल से आ गए और टाइम हो रहा है 12:30 और चालान काट रहे पुलिस वाले बिना बात के। हमारे तो काट दिए, अब तो गायब हो गए पुलिस वाले। हमारा दिन बुरा चल रहा था कि उस तरफ चला ना, सिर्फ हमारे हमारा चालान काट दिया भाई। दो हेलमेट होने चाहिए। अब कोई नहीं, जब हो गया अब आए तो खर्चा तो होगा ही भाई, ये तो फिक्स है।